हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नाग्यास लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथड की, और टीचिंग मेथड में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू मेथड्स। जैसे कि पीछे की क्लासों में हमने दो मेथड पढ़े हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पीछे वाले दो वीडियो जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, अच्छा लगे कुछ तो कर लेना, अदरवाइज आपकी इच्छा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, पीछे हमने टीचिंग मेथड पढ़े हैं दो, कि टोटल टीचिंग मेथड जो हैं, अगर हमारा टॉपिक की बात करें, हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स जो कि सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी उपयोगी हैं आपके लिए और रीट के लिए भी। टीचिंग मेथड दो टाइप के हैं, आपने पीछे वीडियो नहीं देखा तो फिर कह रहा हूँ एक बार आप देख लेना उनको। ओल्ड और न्यू मेथड, ओल्ड और न्यू मेथड, दो टाइप के मेथड जो हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। दो टाइप के मेथड कौन से? दो टाइप के मेथड हैं, एक तो ओल्ड मेथड और एक न्यू मेथड। ओल्ड मेथड दो मैं करा चुका हूँ आपको, कौन कौन से? एक तो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड मैं करा चुका हूँ, आज बारी है न्यू मेथड की। ओल्ड मेथड दो ही थे और जो न्यू मेथड हैं इनकी संख्या तीन है, और ये न्यू मेथड ये आपके सामने हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट का एक न्यू मेथड है, एक सबस्टिट्यूशनल मेथड है और एक बाइलिंगुअल मेथड है। इन तीन मेथड को इंग्लिश में तीन नए मेथड माने जाते हैं, ये तीन न्यू मेथड है। तो ओल्ड मेथड चूंकि हो चुके हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। अब हम बात करेंगे तीन मेथड की, जिसमें से आज हम बात करेंगे केवल डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड की। ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड क्या है, इस मेथड को जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड की बात करें, तो डॉक्टर वेस्ट का पूरा नाम था माइकल फिलिप वेस्ट। माइकल फिलिप वेस्ट। और न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ए मेथड दैट वॉज बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स। और ये जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, ये तीन तत्वों पर आधारित है। अब ये तीन तत्व कौन से हैं उनकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तीन तत्व कौन से? पहले तो डॉक्टर वेस्ट का पूरा नाम क्या है? माइकल फिलिप वेस्ट। और इन्होंने ये न्यू मेथड दिया था, और इस मेथड में तीन एलिमेंट है। तीन एलिमेंट कौन से? एक तो रीडिंग, एक वोकेबलरी और एक यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज जुडिशली। यानी कि रीडिंग का मतलब किसी चीज को पढ़ना, और वोकेबलरी का अर्थ होता है शब्दावली, और यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज यानी कि हमारी मातृभाषा, उसका उपयोग जुडिशली मतलब एक उचित अनुपात में इसका यूज करना। एक मतलब पूरा ही नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, ये कह रहे हैं कि एक उचित अनुपात में मातृभाषा का भी प्रयोग करना चाहिए किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो है वो तीन तत्वों पर आधारित है। कौन से हैं वो तीन तत्व? रीडिंग, वोकेबलरी, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज जुडिशली मतलब नेटिव लैंग्वेज का एक उचित अनुपात में उपयोग करना। ये तीन तत्व हैं और इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और उसके बाद अब मैं कुछ आपको एक चीज और याद दिला दूं कि हम लोग जैसे टीचिंग मेथड ये पांचों कंप्लीट कर लेंगे, दो न्यू मेथड, दो सॉरी ओल्ड मेथड और तीन न्यू मेथड, जैसे ये पांचों मेथड पूरे हो जाएंगे, फिर अपन इनसे रिलेटेड आरपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकेंड ग्रेड एग्जाम में या फिर रीट एग्जाम में, मेथड से, टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को आपको डेट वाइज बताऊंगा कि इस परीक्षा में आए हैं और ये इसका आंसर है, और विथ एक्सप्लेनेशन अपन आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीन तत्वों की, ये तीन तत्व स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। आगे कहता है कि डॉक्टर वेस्ट डेवलप्ड दिस मेथड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन ढाका। ढाका बांग्लादेश में टीचिंग के दौरान उन्होंने कुछ मुश्किलें देखी इंग्लिश को पढ़ाने के दौरान, तब इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इट इज नेसेसरी टू गेट द मेथड टू स्टडी इंग्लिश टू डेवलप द फॉलोइंग रीजन। और इस मेथड को डेवलप करने के कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे,
वो कारण कौन से हैं? वो कारण आपके सामने हैं दोस्तों। कौन से कारण है? फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, स्टूडेंट कैन गेट ह्यूज वोकैबुलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूज वोकैबुलरी शब्दावली। बाइलिंगुअल स्टूडेंट नीड टू रीड इंग्लिश अलोट नॉट टू स्पीक। जो द्विभाषी, दोनों भाषाओं को जानने वाले, आपकी मातृभाषा और आप जो टारगेट लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश, जैसे बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स नीड टू रीड इंग्लिश अलोट, और उनको, जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं उनको जरूरत है अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, रीड की, नॉट स्पीक, स्पीक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे LSRW, यहाँ पर डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार एस्पेक्ट जो होते हैं लैंग्वेज के, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना है? रीडिंग पर। स्पीकिंग पर नहीं देना, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है आपको, रीडिंग पर ज़्यादा जोर देना है। और वोकेबलरी नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट इन इंक्रीज इन रीडिंग बुक। वोकेबलरी नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट इन रीडिंग बुक। अगर बच्चे के पास वोकेबलरी नॉलेज होगा, मतलब शब्दावली होगी, बच्चों को शब्द अर्थ पता है, शब्दार्थ जिसको हम कह दें, शब्दार्थ पता है, तो फिर उनको सहायता मिलेगी किसी भी बुक को रीड करने में। और ये कह रहे हैं कि रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्पीकिंग पर नहीं करना चाहिए। LSRW में ये रीडिंग की बात कर रहे हैं। और ये रीडिंग होगी कब? जब बच्चे को वोकेबलरी का नॉलेज होगा, बच्चों को शब्दार्थ अच्छे आएंगे, वर्ड मीनिंग अच्छे आएंगे, तो फिर वो रीडिंग जो है आसानी से कर सकता है और रीडिंग में उसको हेल्प मिलेगी। चौथा पॉइंट है, स्टूडेंट कैन गेट एबिलिटी ऑफ रीडिंग इन अर्लियर स्टेज। जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, प्रारंभिक शिक्षा, 1 से 5 की बात करें या 1 से 8 की बात करें हम, उस अवस्था में बालक जो है इस रीडिंग एबिलिटी को आसानी से प्राप्त कर सकता है। स्टूडेंट कैन गेट एबिलिटी ऑफ रीडिंग इन अर्लियर एज। अर्लियर एज में वो इस रीडिंग की एबिलिटी को जो है वो प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट। इट इज इजी टू टीच रीडिंग फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग एनी लैंग्वेज। इट इज इजी टू टीच रीडिंग, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे आसान क्या है? रीडिंग है, स्पीकिंग और राइटिंग की बजाय, यानी कि LSRW की बात नहीं कर रहा है, ये रीडिंग पर ही जोर दे रहे हैं। डॉक्टर वेस्ट जो है हमेशा रीडिंग की ही बात करते हैं कि बच्चों के पास शब्दावली ठीक होगी तो फिर वो रीड करना शुरू होगा उनका, और रीड अच्छे से कर लेंगे तो फिर वो इंग्लिश सीख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, देयर इज नो प्लेस फॉर ओरल रीडिंग इन दिस मेथड। ओरल रीडिंग की यहाँ पर जो है कोई जरूरत नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और उसमें से उसको रीड करना चाहिए। देयर इज नो प्लेस फॉर ओरल रीडिंग इन दिस मेथड। ओरल रीडिंग की जो है यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। दिस मेथड लेज इम्फेसिस ऑन साइलेंट रीडिंग। जैसे रीडिंग के भी दो प्रकार हैं, एक तो होती है लाउड रीडिंग जिसको अपन कहते हैं, ओरल रीडिंग उसी को कहा इन्होंने, एक लाउड रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लाउड रीडिंग की आवश्यकता नहीं है, गहरा कोई जरूरत नहीं है इसको लाउड रीडिंग करने की, साइलेंट रीडिंग कीजिए। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको साइलेंट रीडिंग से कीजिए। जैसे क्लासेस में भी आप लोग पढ़ा रहे हैं, जब अपन लोग टीचर बनते हैं तो क्लास में पढ़ा रहे हैं किसी क्लास को, तो लाउड रीडिंग पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, साइलेंट रीडिंग पर। साइलेंट रीडिंग करके बच्चा अगर उसका अध्ययन करेगा तो उसको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, मन जो है, मस्तिष्क जो है वो शांत रहेगा। इससे साइलेंट रीडिंग जो है वो लाउड रीडिंग की अपेक्षा ज़्यादा ठीक रहेगी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट 2280 वर्ड्स आर सफिशेंट टू टॉक जनरल सब्जेक्ट्स। 2280 शब्द, लगभग 2500 शब्दों की बात हम करें, 2500 शब्द अगर बच्चे को आते हैं तो ये उसके लिए सफिशेंट हैं किसी भी बुक को रीड करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के लिए। देयर शुड बी टेक्स्ट बुक्स एंड हेल्पिंग और रेफरेंसेस बुक्स विच कंटेंस टेक्स्ट मटेरियल इन लिमिटेड वर्ड्स। और कोई भी टेक्स्ट बुक है या हेल्पिंग बुक है या रेफरेंस बुक है, उसमें जो टेक्स्ट मटेरियल होता है उसमें इन 2500 या 2280 वर्ड में से, अगर आप 2280 वर्ड्स बच्चे को सिखा लेते हैं, लगभग 2500 वर्ड सिखा लेते हैं, तो सफिशेंट है किसी भी बुक को रीड करने के लिए। उसके बाद वोकैबुलरी की बात है या शब्दावली की बात है। फिर आगे है 10th पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट वी कैन डिवाइड वर्ड्स इंटू टू पार्ट्स। हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं। यूजिंग कंट्रोल्ड वोकैबुलरी फॉर टीचिंग लर्निंग, शिक्षण और लर्निंग।
दोनों चीज़ों के लिए हम जो है कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में, कौन कौन से? द वर्ड दैट वी टॉक अबाउट, ऐसे शब्द जिनकी हम बात करते हैं, द वर्ड्स दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, और ऐसे वर्ड जो हमारे कम्युनिकेशन में काम आते हैं, बातचीत में काम आते हैं, उन वर्ड्स को जो है एक टॉक अबाउट वाली कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में इन शब्दों को हम बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, इस मेथड के लाभ क्या है, इस मेथड के लाभ क्या हैं? तो अगर हम इस मेथड के मेरिट्स की बात करते हैं कि इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेरिट्स की। सबसे पहला मेरिट ये है कि दिस मेथड प्रोवाइड्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग। ये मेथड जो है ना, इस मेथड से अगर बच्चा सीखता है ना, तो वो एक एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, मतलब सक्रिय होकर भाग लेता है भाषा को सीखने में। और दूसरा पॉइंट कहता है कि दिस मेथड फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल्स एंड कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर जो है अगर बच्चा किसी चीज़ को LSRW की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने कहा था कि रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और लगभग 2280 शब्द अगर बच्चे को आते हैं शब्दावली में मुख्य मुख्य, तो लगभग 2500 मान लेते हैं अपन, 2500 शब्दों के आधार पर बच्चा किसी चीज़ को रीड कर लेगा, तो रीड में जब वो रीडिंग में एक्सपर्ट होगा तो फिर उसको स्पीक करना सीख जाएगा। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि दिस मेथड फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल्स एंड कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और यहाँ पर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कॉन्ट्रास्ट करता है। दिस मेथड एम्फेसिस लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली, जो टारगेट लैंग्वेज है ना उसको सीधा सीखने की बात करता है, ऐसे नहीं कि आप ग्रामर की मातृभाषा का प्रयोग करते हुए भाषा को सीखो, ये सीधा टारगेट करता है लैंग्वेज, जैसे डायरेक्ट मेथड टारगेट करता है सीधा जिस भाषा को सीखना है उसी की, विदाउट ट्रांसलेटिंग इंटू द मदर टंग में ट्रांसलेशन किए बिना सीधा जो है टारगेट लैंग्वेज को सीखने की ये बात करता है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ स्पीकिंग फोकस स्पीकिंग पर नहीं होता है, फोकस तो होता है रीडिंग पर, रीडिंग के बाद बच्चे को जो है सिखाना चाहिए स्पीकिंग करना, तो रीडिंग स्पीकिंग से पहले रीडिंग जो जरूरी है, और वो भी कौन सी रीडिंग? साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग आएगी कैसे? लगभग इतनी शब्दावली बच्चे को आना चाहिए, फिर जो उसका टारगेट होता है ना हमारा, उसको स्पीक कराना, तो वो रीडिंग से ही हो पाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है। बाय दिस मेथड लर्नर्स कैन इम्प्रूव देयर साइलेंट एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इस मेथड के द्वारा लर्नर जो है अपनी साइलेंट रीडिंग जो है उसको, और विस्तृत रीडिंग को जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। एनी टीचर टीच दिस स्किल, और कोई भी टीचर इस कार्य को कर सकता है, इसलिए टीचर कन्वीनियंट मेथड भी कह सकते हैं। टीचर के हिसाब से भी ये जो मेथड है वो अच्छा है, कन्वीनियंट है। लेकिन इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इस मेथड के कुछ दोष भी हैं, ये कह सकते हैं क्या है। नंबर 1, ग्रामर एंड आर्ट ऑफ द क्रिएटिविटी आर नेग्लेक्टेड इन दिस मेथड, क्योंकि सारा फोकस किया जाता है रीडिंग पर, रीडिंग के बाद फोकस किया जाता है स्पीकिंग पर, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रामर और आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता जो बच्चे की होती है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है इस मेथड में। और दूसरा, आर्ट ऑफ साइलेंट रीडिंग कैन नेवर हेल्प इन लर्निंग करेक्ट प्रोनंसिएशन, क्योंकि डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि साइलेंट रीडिंग करनी है, और साइलेंट रीडिंग चुपचाप वो बिना बोले अगर साइलेंट रीडिंग कर रहा है, साइलेंट रीडिंग होती भी यही है कि चुपचाप मन ही मन में बोलना है, अगर ये मन ही मन में बोलेगा तो फिर उस वो ना सही उच्चारण नहीं सीख पाएगा, करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है बालक नहीं सीख पाएगा, इसलिए साइलेंट रीडिंग जो है ना इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे बच्चा किसी चीज़ का प्रोनंसिएशन नहीं सीख पाएगा, उच्चारण नहीं सीख पाएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है, इसका डीमेरिट है। इट इज फेल्ट ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस दैट एक्ट ऑफ रीडिंग इज मेड आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये जो LSRW, ये चार एस्पेक्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है? रीडिंग पर करता है, रीडिंग के बाद स्पीकिंग पर करता है, और उसके बाद किसकी बात करता है? लिसनिंग की, राइटिंग की बात ये अभी भी नहीं करता है, इसलिए ये मेथड का ड्रॉबैक है।
और यहाँ पर दिस मेथड इज टोटली इग्नोर्स द अदर थ्री एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। और सबसे ज़्यादा जो बात है ये रीडिंग की ही करता है, इसलिए जो अदर थ्री एस्पेक्ट्स जो है ना, इसके थ्री एस्पेक्ट्स LSW, इनको वो पूरी तरह से नेगलेक्ट करता है, विच आर अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो कि अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है और राइटिंग है, इसको ये अवॉइड करता है, ज़्यादा महत्व रीडिंग को देता है, इसलिए ये भी इसका डिमेरिट्स है। और उसके बाद है पांचवा पॉइंट, ओनली रीडिंग इज नॉट इंटरेस्टिंग, सिर्फ पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं है, रेदर इट इज बोरिंग फॉर ए टीचर एंड लर्नर। और ये दोनों जो है ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जो है, रीडिंग 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 सिर्फ करना टीचर के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए ये भी इस मेथड का डीमेरिट है। अब हम अगर संक्षेप में बात करें, ब्रीफ में बात करें कि क्या है ये मेथड, इन ब्रीफ दिस मेथड विच केम एज ए रिवोल्ट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड के बाद मेथड आया था, उसके अगेंस्ट आया था, हैड मेनी डिफेक्ट्स इन इटसेल्फ, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। आपने पीछे देखा ना, फोकस पे बाद में फोकस बताता है स्पीकिंग पर, जबकि सारी बात कर रहा था रीडिंग की, फिर अचानक से कहता है कि स्पीकिंग, और स्पीकिंग कैसे आएगी, वो कह रहे हैं रीडिंग से आएगी। तो रीडिंग 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 करने से जो है ना, टीचर और स्टूडेंट जो है, दोनों के लिए काम बोरिंग हो जाएगा। तो ये इस मेथड के बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। और ये किसके रिवोल्ट में आया था, किसके अगेंस्ट में आया था, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था। देयर फोर, इसलिए हम कह सकते हैं, देयर फोर का अर्थ है इसलिए, दिस मेथड डिड नॉट बिकम वोग एंड इट इज नॉट पॉपुलर विद द टीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए ये मेथड जो है ज़्यादा विकसित नहीं हुआ और ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये डॉक्टर वेस्ट का मेथड था। तो हमने ओल्ड मेथड की बात कर ली है, ओल्ड मेथड में हमने दो मेथड पढ़ रही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है। और अब हमारे को तीन न्यू मेथड पढ़ने हैं, तीन मेथड में हमने डॉक्टर वेस्ट का मेथड भी पढ़ लिया है, इसके अलावा दो मेथड और हैं। अगली क्लासेस में हम उन मेथड्स की भी बात करेंगे, तो आप जुड़े रहें और इन मेथड्स को ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर इससे रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अपन लोग करेंगे। ओके, नमस्कार।